I'm looking for my children. हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नेटफ्लिक्स की हिंदी सीरीज ट्रायल बाय फायर का ट्रेलर रिव्यू करेंगे, जो कि 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स में। ये सीरीज 1997 में दिल्ली में हुई उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी पे बेस्ड है। ये शो इंडियन हिस्ट्री का वर्स्ट फायर ट्रेजेडीज में से एक के ऊपर आधारित है और इस हादसे में 59 यानी 59 लोग सिनेमा के अंदर ट्रैप होकर अपनी जान गवा बैठे थे। इसके साथ 103 लोग सीरियसली इंजर्ड भी हुए थे। ये ट्रेलर फॉलो करता है हादसे के शिकार पेरेंट्स को, जो प्ले किया है अभय देओल और राजश्री देशपांडे ने एज शेखर एंड नीलम कृष्णमूर्ति। कैसे उनकी जिंदगी बदल जाती है जब उनके बच्चे उपहार सिनेमा में लगी आग के शिकार बन जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो सालों तक रेजिलिएंटली लड़ते हैं सिस्टम के खिलाफ इंसाफ पाने के लिए, और सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ और भी बहुत सारी फैमिलीज जो इस हादसे का शिकार बनी थी। ट्रेलर के पार्श्ड कलर टोन को देख के अंदाजा लग जाता है कि ये सीरीज कितनी सीरियस होने वाली है। सीरीज को डायरेक्ट किया है रणदीप झा ने, जिन्होंने पहले हलाहल जैसी अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है। इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ जैन हाउस ऑफ टॉकीज प्रोडक्शन ने और एंडमॉल शाइन इंडिया ने। सीरीज में है एक्टर अभय देओल और राशि देश पांडे, जिनको देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनके अलावा और भी बड़े एक्टर्स सीरीज में हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अनुपम खेर, रत्ना पाठक शाह और आशीष विद्यार्थी। इस सब में अभय देओल का ये कमबैक रोल लग रहा है। ओवरऑल ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि ये सीरीज बहुत ही इम्पैक्टफुल होगी और हमको इमोशनली झंझोड़ के रख देगी। हमारी रिकमेंडेशन है इस सीरीज के लिए एज अ मस्ट सी। 13 जनवरी को ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है, कैच इट। सो वेल फ्रेंड्स, ये था नेटफ्लिक्स की ट्रायल बाय फायर सीरीज का ट्रेलर रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाया है तो थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबाएं। रिव्यू को अभय देओल के फैन दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूं। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद। क्या है जो आपको हौसला देता है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो।